गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग लेसन्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जिस प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ वो पर्पल हार्ट का प्लांट है। इसे पर्पल क्वीन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसे किस तरह से प्रोपोगेट किया जाता है और इसकी देखभाल कैसे की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये समर का प्लांट है और पेरेनियल प्लांट है। अगर आप इसे एक बार लगाते हैं तो ये आपके घर में साल भर तक बना रहता है। और फ्रेंड्स, इसकी कटिंग से आप इसे बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं और काफ़ी लंबे समय तक ये आपके घर में बना रहेगा। इस प्लांट को फ्रेंड्स फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। फुल सनलाइट में इसका जो पर्पल कलर है वो काफ़ी अच्छे से ब्राइट शो करता है। और अगर आप इसे शेड में रखते हो तो इसका जो पर्पल कलर है वो धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाता है। तो आप इसे अच्छी ब्राइट सनलाइट में रखिए और जैसे जैसे समर्स आती है तो वैसे वैसे इस प्लांट के ऊपर हल्के हल्के लाइट पिंक कलर के फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं। काफ़ी छोटे फ्लावर्स होते हैं बट वो ज़्यादा बड़े नहीं होते, इसलिए इसका जो मेन शो होता है वो इनके कलर की वजह से होता है। आप इसे डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन में अपने घर में लगा सकते हैं। ये एज अ डेकोरेटिव बहुत अच्छा प्लांट है और ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी इसे यूज़ किया जा सकता है। फ्रेंड्स ये प्लांट सब तरह के पॉट्स में चल जाता है, प्लास्टिक के पॉट में भी, छोटे पॉट में भी और बड़े पॉट में भी। इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती। फ्रेंड्स, ये मैंने इसकी कटिंग्स ग्रो की है। आप किसी भी इस तरह के पार्ट से इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हो और इसे इस तरह से लगा सकते हो। मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स ग्रो की है। इसकी कटिंग्स काफ़ी इजीली चल जाती है। आप अगर उसे एक दो दिन पानी में सोक करके रखोगे तो उसकी रूट्स बहुत ही जल्दी फॉर्म हो जाएगी और उसके बाद आप उसे किसी भी मिट्टी में लगा सकते हो। फ्रेंड्स, जब ये पूरा प्लांट प्रिपेयर होता है तब आप इसकी मिट्टी अगर जब पूरी तरह से सूख जाए उसके बाद पानी दे तो अच्छा रहेगा, लेकिन जब आप कटिंग ग्रो करते हो तो आपको क्या करना होता है कि उसकी जो सॉइल है उसे हर वक्त मॉइस्ट रखना होता है। फ्रेंड्स, सॉइल को ज़्यादा सोकी नहीं बनाना है बट स्टिल इसे थोड़ा सा मॉइस्ट रखना पड़ता है ताकि कटिंग्स जो है वो अच्छे से ग्रो करें। और अगर आप सॉइल को ज़्यादा सोकी बना देते हो तो क्या होगा कि जो रूट्स है वो गलने लग जाएगी और आपकी कटिंग्स भी गलने लग जाएगी। तो आप उसे राइट तरीके से पानी दें, उससे आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। और फ्रेंड्स, जो सॉइल होती है वो इसके लिए वेल ड्रेन पोरस सॉइल होती है वो बेस्ट रहती है, क्योंकि ये समर का प्लांट है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ये कम पानी में या मॉडरेट पानी में बहुत अच्छे से चल जाता है। तो आप लोग इसकी सॉइल को जब अच्छे से थोड़ी ड्राई हो जाए आप इसे हाथ लगा के देख लें। इस तरह से अगर उसकी ऊपर की लेयर अच्छे से ड्राई हो रही है तभी आप इसे पानी दें, इससे प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। और इसे फुल सनलाइट में रखिए, इससे इसका जो कलर है वो काफ़ी अच्छे से ब्राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने कि काफ़ी स्टोन्स पे भी पेंट करके इसमें रखे हैं। आप भी इस तरह से स्टोन पे पेंट करके रख सकते हो। ये काफ़ी अच्छे लगते हैं गमलों में, ब्यूटीफुल लगते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के जो पौधे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते थे, आप इनको हैंगिंग बास्केट की तरह भी इजीली यूज़ कर सकते हो। ये उसमें भी काफ़ी अच्छे से चल जाते हैं। फ्रेंड्स, ये स्नेक प्लांट की कटिंग्स है जो मैंने लगाई है। इसमें थोड़ा सा कुकुपीट ऐड किया है ताकि इसमें हमेशा मॉइस्चर बना रहे। और आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी सारी कटिंग्स मैंने ग्रो की है। एक महीना कम से कम लगता है इन सारी कटिंग्स को ग्रो करने में। फ्रेंड्स, ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, इसे मैंने कटिंग से ग्रो किया है। आप देख रहे होंगे कि काफ़ी हेल्दी प्लांट है अभी ये। इसमें काफ़ी सारी बर्ड्स आना शुरू हो गई है और जल्दी इसमें फ्लावरिंग होगी। ये भी समर के लिए एक अच्छा प्लांट है, आप इसे भी ग्रो कर सकते हो। फ्रेंड्स, मेरा जो ये प्लांट है वो रेड कलर के हिबिस्कस का प्लांट है, इसे मैंने कटिंग से ग्रो किया है। तो गर्मियों में और बारिश में आप भी इसे कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट